सेबी में टॉक्सिक वर्क कल्चर है, सेबी में अनरियलिस्टिक वर्क कल्चर है, ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप खुद मार्केट रेगुलेटर सेबी के एम्प्लॉयज ने लगाए थे। बहुत हंगामा भी हुआ। मार्केट रेगुलेटर के एम्प्लॉयज ने लीडरशिप पर गंभीर आरोप लगाते हुए सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के तत्काल इस्तीफे की मांग भी कर दी। इस पूरे मसले पर सेबी ने भी एक बयान जारी किया और कर्मचारियों के गुस्से को और हवा दे दी। लेकिन अब एक बार फिर मार्केट रेगुलेटर का बयान आया है और इस पूरे मामले पर सेबी ने यू टर्न ले लिया है। चलिए ये पूरी खबर आपको अब विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। दरअसल सेबी ने अनरियलिस्टिक और टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट के आरोपों पर अब अपने सुर नरम कर लिए हैं। कुछ दिनों पहले मार्केट रेगुलेटर के कर्मचारियों ने सरकार को पत्र लिखकर वर्क कल्चर पर चिंता जताई थी। कर्मचारियों ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच ने सेबी कार्यालय को टॉक्सिक वर्क प्लेस बना दिया है। बीते 4 सितंबर को इन आरोपों का खंडन करते हुए सेबी ने भी एक बयान जारी किया था। इस बयान में कहा गया था कि कर्मचारियों के एचआरए से जुड़े मुद्दों को बाहरी तत्व गलत दिशा दे रहे हैं और अब अपने इस बयान से सेबी ने यू टर्न ले लिया है। सेबी का स्टेटमेंट था कि लेटर में अनप्रोफेशनल वर्क एथिक्स होने के संबंध में गलत दावे किए गए हैं। 4 अगस्त को जारी एक बयान में सेबी ने कहा था, हमें आशंका है कि भारी ताकतें अपने एजेंडा के लिए कंपनी के एम्प्लॉयज को मीडिया और मंत्रालय में जाने के लिए उकसा रही हैं। लेकिन बोर्ड के ताजा बयान में यह कहा गया कि एम्प्लॉयज की सभी चिंताओं को इंटरनल चैनल्स के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर दिया जाएगा। यही नहीं, सेबी ने अपने 4 सितंबर को जारी प्रेस नोट को भी वापस ले लिया है और ये कहा कि उनके कर्मचारियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संगठन के अंदर ही निपटाया जाना चाहिए। कुछ समय पहले तक सेबी दावा कर रही थी कि शिकायतों से भरा वो लेटर भी सेबी कर्मचारी संघ द्वारा आधिकारिक रूप से नहीं भेजा गया था, बल्कि ये गुमनाम ईमेल था जिसका उद्देश्य संगठन को अस्थिर करना था। लेकिन अब इस पूरे क्लेम से भी मार्केट रेगुलेटर ने बैक ऑफ कर लिया है। सेबी के इस नरम रुख को लेकर एक बार फिर चर्चा भी शुरू हो गई है। आखिर इस यूटर्न के पीछे की वजह क्या है, कई सवाल भी उठने लगे हैं जिनका जवाब कब तक मिलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल सेबी अपने एम्प्लॉयज की परेशानियों को एड्रेस करने के लिए तैयार नजर आ रहा है। तो आखिर सेबी कब और किस तरह अपने एम्प्लॉयज से इंटरनली बात करता है और इस बातचीत का क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है और सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के कार्यकाल पर इसका क्या असर होता है, ये सब कुछ आने वाले वक्त में साफ होता नजर आएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिस्तर। बिस्तर आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तर के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।